विकास यात्रा के दौरान कांग्रेस से विधायक शशांक भार्गव विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि महाविद्यालय की बिल्डिंग पिछले वर्ष ही बनकर तैयार हुई है, लेकिन एक साल में ही बिल्डिंग के हालात ऐसे हैं जो जगह जगह से अपने आप टूट रही है। इतना ही नहीं, कुछ दीवारों से जब पानी आना शुरू हुआ तो चद्दर लगाकर उस पानी को रोका गया। इसके अलावा बिल्डिंग के संबंध में कॉलेज स्टाफ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी को सूचित कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस समय बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था उस समय इंजीनियर और अधिकारियों ने बनती हुई बिल्डिंग की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। इससे कितना लाभ पहुंचा है, उनके गुंडेगुर्मों से कितना लाभ पहुंचा है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। अभी 27 तारीख से विधानसभा है, इस बात को मैं विधानसभा में भी रखने का प्रयास करूंगा अगर माननीय अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दे दी तो, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कोई हम ध्यान आकर्षण लगाते हैं तो वहाँ से भी हमारे ध्यान आकर्षण को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन मैं एक शेर के माध्यम से इस विकास यात्रा का जो समापन हो रहा है उसमें पूरी बात आ जाती है कि छात्र तमाम शहर के धनवान हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज गुलाबगंज, शासकीय महाविद्यालय गुलाबगंज है। मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, डॉक्टर संजीव जैन। कांग्रेस द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है जिसमें बिल्डिंग काफी टूटी फूटी नजर आ रही है। बिल्डिंग क्रैक थी, हमने कलेक्टर महोदय को आयुक्त महोदय को पत्र भेजे थे, तो एजेंसी ने रिपेयर के लिए भेजे हैं, रिपेयर का काम चल रहा है बिल्डिंग पर। कितने साल हुए हैं इसको बने हुए? दो साल, पिछले साल सितंबर में इसका लोकार्पण हुआ था और अभी काम चल रहा है इसका।